नमस्कार साथियों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वो खुशी लेकर आए हैं जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सेशन 2022-23 के ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में जानकारी देंगे। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये फॉर्म किस क्लास के लिए है वो मैं बता दूं आपको। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म फॉर क्लास 6 and 9, ये फॉर्म 6 और 9 क्लास के लिए निकले हुए हैं। इसमें 6 क्लास के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, जबकि 9th क्लास के लिए ओनली बॉयज फॉर्म डाल सकेंगे, गर्ल्स के लिए वैकेंसीज नहीं है। अब मैं आगे आपको फॉर्म की बिगिनिंग डेट और लास्ट डेट के बारे में बताता हूं। फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, ऑनलाइन की स्टार्टिंग हो चुकी है, वो 10 September 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 10 October 2022। अतः साथियों, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस निर्धारित समय में आप जो भी इच्छुक हो अपने बच्चों के फॉर्म ऑनलाइन कराना ना भूलें। अब इसी में मैं आपको इस फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, एज क्या होनी चाहिए, वो सब मैं बताता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं इसमें क्लास 6 के लिए एज के बारे में बताता हूं। तो फॉर क्लास 6 एज, क्लास 6 के लिए टेन ईयर्स टू ट्वेल्व ईयर्स, इट मीन्स कि उसकी उम्र 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसके बीच स्टूडेंट्स की उम्र होनी चाहिए। इसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको मैं बताऊं तो उसका जन्म 1 April 2011 से 31 March 2013 के बीच होना चाहिए। इसमें दोनों डेट शामिल हैं, फर्स्ट और 31st वाला दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। इसी प्रकार से मैं फॉर क्लास 9th के लिए मैं एज बताता हूं, ओनली बॉयज के लिए। इसमें जो एज है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेम एज रखी गई है। 9th के लिए ओनली बॉयज के लिए इसका जो एज का जो रखा गया है वो नॉट लेस देन 13 ईयर्स से 13 वर्ष से कम ना हो और 15 ईयर्स 15 वर्ष से अधिक ना हो। अगर इसका DOB में लेंगे तो कितना होना चाहिए, 1 April 2008 से 31 March 2010। साथियों, ये मैंने आपको एज के बारे में बताया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए क्या क्या
डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनसे आप बच्चों के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं बताता हूं। डॉक्यूमेंट्स शुड बी, इसमें कंपलसरी है, सबसे मस्ट होना चाहिए वो है आधार कार्ड। नेक्स्ट पासपोर्ट साइज, लेटेस्ट फोटो और कैंडिडेट सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ ही कॉलेज का रिकॉर्ड जो उसमें आप फिलअप करेंगे क्लास फिफ्थ का। आगे मैं बात करता हूं रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन किस प्रकार से है। इसमें 70% जो डिफेंस कैटेगरी है वो डिफेंस के लिए है और 30% जनरल या सिविलियंस, जो सिविलियंस है उनके लिए ये रहेगी आपकी कैटेगरी वाइज। साथियों इसी में मैं आगे आपको बताता हूं कि हमारे इंडिया में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है जिनमें शॉर्ट में प्रोस्पेक्ट्स वगैरह पर, शॉर्ट में आरएमएस के नाम से भी जाना जाता है। देयर आर फाइव आरएमएस इन इंडिया। मैं उसके नाम आपको अवगत कराता हूं। चैन में है जो कि शिमला प्लेस पर है और स्टेट पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट धौलपुर में भी मिलिट्री स्कूल है जो कि राजस्थान। नेक्स्ट अजमेर, ये भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है। इस प्रकार से ये 3 और 2 जो आपके हैं वो कर्नाटका में है, एक बेलगांव है। बेलगांव कर्नाटका और एक और है जो बेंगलुरु है, ये भी कर्नाटका राज्य में पड़ता है। तो ये 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से। अब मैं इसमें प्रोसेस बताऊंगा आपको कि जो एग्जाम है उसके बाद, एग्जाम के बाद किस प्रकार से कट ऑफ और उनकी परसेंटेज, क्वालिफाइड मार्क और इंटरव्यू किस प्रकार से प्रोसेस है। तो फॉर क्लास 6 के लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम का कट ऑफ पैटर्न समझाता हूं कि क्लास 6 और क्लास 9 में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट है आपके इंग्लिश, इसमें क्वेश्चंस आते हैं 50 क्वेश्चंस इंग्लिश में। मैथ में भी 50 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग इसमें 50 क्वेश्चंस और जीके इसमें 50 क्वेश्चंस। इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 200 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। लेकिन जो कट ऑफ और मेरिट है वो किस प्रकार बनती है मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो इंग्लिश का है ये 50 क्वेश्चंस, ये 50 क्वेश्चंस में स्टूडेंट को 35% क्वालिफाई के लिए लाने होंगे। अगर वो इन सभी में क्वालिफाई हो जाता है बट इंग्लिश में नॉट क्वालिफाइड तो फेल हो जाता है। 35% चाहिए उसे क्वालिफाइंग के लिए।
और ये जो सब्जेक्ट है इनमें 40% ओनली क्वालिफाई के लिए चाहिए, मेरिट अलग रहेगी। इस प्रकार से अब जो मेरिट बनती है इनकी, वो मेरिट इन तीन के आधार पर मेरिट बनती है, इट मींस इन तीनों के 50, 50 और 50, इट मींस 150 क्वेश्चंस के आधार पर आपकी मेरिट में लिया जाएगा सिलेक्शन मेरिट के लिए। तो ये केवल ओनली क्वालिफाइड होना चाहिए इंग्लिश में, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे मेरिट में। और इसमें जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी है वो 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है साथियों, मैंने ये आपको बताया। तो इस आधार पर 130 प्लस पर आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। इसी प्रकार नाइन्थ क्लास का है, उसमें भी क्वालिफाइंग चाहिए, लेकिन उसमें टोटल जुड़ते हैं, उसमें 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और उसमें इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। जो नाइन्थ में जो इंटरव्यू है फॉर क्लास नाइन्थ के लिए, वो इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है साथियों। इस प्रकार से मैंने आपको आरएमएस की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो प्रारंभ हो चुके हैं, आप निर्धारित समय पर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फॉर्म को अप्लाई करवाएं। और जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।